हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आप इसका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन होगी, उससे पहले इस बॉक्स को टिक करें और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। इसके बाद आपको बताना है कि आपके पास आधार नंबर है जिससे आप जो है लॉग इन आईडी जो है बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है, या फिर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, आप बनाना चाह रहे हैं उसके थ्रू जो है आप जो अपनी आईडी बनाना चाह रहे। उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस जैसे कि एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, या फिर एबीसी नहीं है तो एबीसी बना के अपनी आईडी बनाना चाहते हैं, या फिर इंडियन पासपोर्ट, या फिर पैन कार्ड, या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आधार नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी आएगा, जो नंबर आपके आधार से एक्टिव है लिंक है, ओटीपी फिल करें और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपको जो है अपना कैंडिडेट नेम डालना होगा, उसके बाद जो है फादर नेम डालना है, जो 10th की मार्कशीट पे आपको वही फिल करना है, उसके बाद मदर नेम डालना है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करें, मेल या फीमेल, उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। अगला आपके पास आइडेंटिटी टाइप का ऑप्शन है, इसमें क्लास 12 का एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक, या फिर जो है कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए विद फोटोग्राफ, उसको आप सिलेक्ट कर लें, उस आईडी नंबर। उसके बाद जो है पहचान संख्या आइडेंटिफिकेशन नंबर फिल करें। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, अपना पता डालें और लोकेलिटी डालनी होगी, ये ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी। उसके बाद लोकेलिटी और कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है आपको पिन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप पिन कोड डालें। पिन कोड डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद दोबारा नंबर कंफर्म करें, ईमेल आईडी भरें, दोबारा कंफर्म करें। उसके बाद जो है आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक कर दें। उसके बाद आपको जो है पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड में जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस, एक स्पेशल केस और एक लोअर केस होना चाहिए, उसके बाद एक नंबर भी होना चाहिए। पासवर्ड के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा, इसमें आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप याद रखें क्या आंसर दे रहे हैं, और एक कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपके सारी डिटेल्स आ जाएंगे, अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आपने ये सारी चीजें चेक कर ली, जैसे कि अपना नाम, तो उसको टिक कर दें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर, ये सारे बॉक्स टिक करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करें और यस बटन पे क्लिक करें। अब आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करें और एक कैप्चा फिल करें। अब आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करें। तो अब आपको दोबारा लॉग इन करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड फिल करें, उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है इसको फिल कर दें और लॉग इन बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस ये तो इनकम्प्लीट है, तो एप्लीकेशन पे यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, इस पे क्लिक करें और आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस भरने होंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें फिल करें। यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन डालें लास्ट में और आई एग्री बटन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी, इसमें जो कुछ पहले से फिल होगा उसको छोड़ दें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है 12th आपने कहाँ से किया है, किस स्टेट से किया है, आप उसको सिलेक्ट करें। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डायबिटिक हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। फिर आप रूरल या फिर अर्बन एरिया में, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में, तो अर्बन कर दें, ग्रामीण में तो रूरल कर दें। उसके बाद फैमिली की इनकम आपको बतानी है, एनुअल इनकम, सालाना आय कितनी होती है। उसके बाद आता है अगर आप अल्पसंख्यक हैं यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। तैयारी आपने कैसे की है, ट्यूशन से, ऑनलाइन कोचिंग से, सेल्फ स्टडी, जो भी है आप उसको सिलेक्ट करें। और आपको फिर अपने देश का नाम सिलेक्ट करना है, कहाँ का आपका निवास है, किस देश का, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है, इसके बाद अगला ऑप्शन है कि आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत जो है पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, तो अगर हाँ तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड फिल करना होगा और आई एग्री बटन पे क्लिक करके सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है, अब आपको बताना है कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो नहीं है, अगर यस करेंगे तो आपको जो है इस बॉक्स को टिक करना है, विकलांगता का प्रकार सिलेक्ट करना है, कौन सी डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो नो पे
पे क्लिक करना है और सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। आपको कैप्चा फिल करना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ओके बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको जो है एग्जाम सेंटर की डिटेल डालनी है। पहले तो नीट यहाँ पर आएगा, पेपर का मीडियम डालना है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जो भी आप मीडियम सेलेक्ट करें। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, पहला स्टेट सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद शहर सेलेक्ट करना है, दूसरा स्टेट और उसके बाद शहर, हालांकि स्टेट सेम रहेगा। इसके बाद आपको जो है अपने अभिभावक यानी गार्जियन का ऑक्यूपेशन बताना है, क्या व्यवसाय है उनका, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके जो पिता हैं कितना पढ़े हैं, इलिटरेट है यानी बिल्कुल पढ़े नहीं या फिर 10वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद माता का व्यवसाय डालना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर या फिर बिजनेस, हाउस वाइफ, जो भी है। उसके बाद कितना पढ़ी है आप उसको सिलेक्ट करें और ये कैप्चा फिल करके आई एग्री बटन पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें। अब आपको 10th की डिटेल्स भरनी है। 10th की डिटेल में आप पास का स्टेटस तो सही रहेगा, उसके बाद कब पास किया उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको जो है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब गांव से या फिर शहर से पढ़े तो अर्बन रूरल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको टाइप ऑफ कॉलेज डालना है, एकलव्य मॉडल, रेजिडेंशियल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, जो भी है केंद्रीय विद्यालय, तो जिस स्कूल से पढ़े हैं जिस टाइप के आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने जो है एग्जाम क्वालिफाई किया है, कॉलेज और स्कूल का नाम और पता डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद रोल नंबर आपको 10th का डालना है और आप जो है परिणाम मोड, मतलब आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में, परसेंटेज में है तो टोटल नंबर डालना, कितने नंबर आपको मिले डालना है, और अगर CGPA है तो कितना मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपको डालना है, ऑप्टेन CGPA डालना है, यहाँ पर जो है परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद आपको 11th की इसी तरह इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसके बाद जो है 12th की इन्फॉर्मेशन डालनी है और आई एग्री बटन पे क्लिक करें, ये कैप्चा फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करें। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको एडिशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर अगर आप जुड़वा भाई हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। और इसके अलावा क्या आपने जो है पहले नीट एग्जाम दिया है, अगर दिया है तो यस कर दें, और आपको जो है कितने एग्जाम आपने दिए आपको डालना है, और अगर नहीं दिया तो नो पे क्लिक करें, ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड और आई एग्री बटन पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और फोटो जो है पोस्ट कार्ड साइज का डालना होगा। उसके बाद जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स के थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। यहाँ पर साइज दिया गया है मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम जो है 200 KB। इन सब के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, ओके बटन पे क्लिक करें। अब आप अपना फॉर्म एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, सेंड OTP पे जैसे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन कोड डाल के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये बॉक्स को टिक करना है कि इनको जो है आपने अच्छी तरह से चेक किया है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करें और फॉर्म आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप पे नाउ पे क्लिक करें और अपना पेमेंट कर सकते हैं, SBI, EPA, HDFC, कैनरा या फिर ICICI, जो भी बैंक सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करें और इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।